हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाएंगे। पहली खबर जो है रिक्त महिला सीटों पर पुरुष उम्मीदवारों को मौका देने का, और दूसरा खबर बीएड से संबंधित होगा। दोनों खबर महत्वपूर्ण है, इसलिए आप दोनों को ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ से एक खबर है, यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये नई दुनिया अखबार है। इसमें 1 जुलाई 2022 का ये लिखा हुआ खबर है, किसी ने भेजा है और इसे आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कि अनारक्षित पद पर महिला उम्मीदवार न मिलने पर पुरुष आवेदक को दे नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। यानी कि किसी अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यहाँ पर एक केस किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिवेदक के पद पर भर्ती के दौरान अनारक्षित वर्ग में कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं मिली, इस कारण एक पद को रिक्त रखा गया। इसी पद पर भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। यानी कि ऐसे सीट जिस पर कि महिला कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उन सीटों को आप उसी कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवारों को दे दीजिए, ऐसा निर्देश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। तो जब ये काम छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो ये काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता है कि जब आपको महिला अभ्यर्थी नहीं मिल रही है, ठीक है आप महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50% आरक्षण देते रहिए, उसमें कोई डिमांड नहीं कर रहा है कुछ भी। लेकिन उसके बाद भी अगर महिला कैंडिडेट नहीं मिल जा रही है तो इन सीटों को आगे बढ़ा के ले जाने से क्या फ़ायदा। एक तरफ लोग सड़क पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार है, उनकी उम्र ख़त्म होती जा रही है। दूसरी तरफ आप इन सीटों को कहते हैं कि हम अगले चरण तक ले जाएंगे, और एक चरण से दूसरा चरण तक आने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाता है, तो ऐसे में बहुत अभ्यर्थियों की तो उम्र ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में बेहतर हो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला है इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार भी इस तरह का नियम बनाए कि रिक्त सीटों पर अगर महिला कैंडिडेट नहीं मिल पाती है तो उनके बदले में पुरुष कैंडिडेट को मौका दे दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। हाँ, पिछली बार ऐसा जरूर हुआ था कि जब ये डिमांड हमने उठाई थी तो एक पुरुष अभ्यर्थी ऐसे थे कि बहुत नाराज़ हो गए थे हमसे। उन्होंने कहा था कि सारा सीट आप लोग कैसे रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। वे कमेंट करने वाले पुरुष अभ्यर्थी ही थे और उनका कहना था कि आप महिलाओं का सीट क्यों ले रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा शंका हुई कि पता नहीं उनकी समझ क्या थी, आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंडीशन में जो रिक्त सीटें रह जा रही हैं महिला उम्मीदवारों को, इनको पुरुष अभ्यर्थियों को दे दिया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो खबर है ये बीएड को लेकर खबर है। आप में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते रहते हैं कि बीएड का क्या होगा, बीएड का क्या होगा। इतनी बार लोग पूछते हैं कि बीएड का क्या होगा। इसके संबंध में आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCET का एक हम लोग लेटर दिखा रहे हैं। इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो केस हुआ है 19 जुलाई को, केस का जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें NCET ने आपको आश्वासन दिया है। NCET ने कन्फर्म किया है कि बीएड को बचाने के लिए NCET देश के टॉप मोस्ट वकील को उतार रही है, इसलिए आप लोग किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है कि महोदय, उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/11/2021 के विरुद्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर कर दी है, और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 25/11/2021 को खारिज कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, तथा इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने माननीय श्री तुषार मेहता जी महान्यायाधिकर्ता भारत सरकार को इस मामले में पैरवी के लिए रखा है। सादर भवदीय अवर सचिव जो कि NCET के है, और डेट भी इस पर देखिएगा तो 29/6/2022 का, यानी कि 29 जून का ये लेटर है NCET का। NCET वो संस्था है जिसने शिक्षकों के लिए यह नियम बनाया है कि शिक्षक अगर उन्होंने बीएड कर रखा है तो 1-5 में भी अप्लाई कर सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि NCET ने बीएड को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरा फोर्स लगा दिया है वकीलों का। सिर्फ NCET की तरफ से नहीं बल्कि MHRD यानी कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी वकील उतारे जा रहे हैं, और इस मामले की अंतिम सुनवाई 19 जुलाई को है, और हमें पूरा विश्वास है कि बीएड को 1-5 में मौका जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।